धर्मक, जब भी आप किसी किताब से कंसल्ट करते हैं या ऑनलाइन सोर्स से कंसल्ट करते हैं, तो जारी बात है आप उसके नोट्स बनाते हैं, ठीक है? तो नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और आप अपने नोट्स कैसे बनाते थे? श्योर श्योर श्योर। अच्छा, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप रिटन का आपका एग्जाम करीब होता है तो आप दोबारा बुक खोल के नहीं पढ़ सकते। इवन आई वुड से कि आप बुक खोलेंगे दोबारा तो फायदा भी नहीं है, क्योंकि एक चीज आप पढ़ चुके हैं। अब उस बुक के अंदर से आपको ये देखना है कि ओके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने एक इंटरनेशनल ऑथर को पढ़ा, एंड देन मैंने एक लोकल ऑथर को पढ़ा, एंड देन मैंने एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक पढ़ी। सो हर सब्जेक्ट की आई वुड से कि मैंने 2 से 3 बुक्स पढ़ी थी, इंटरनेशनल वर्जन, लोकल वर्जन, एंड एक टू द पॉइंट जो बुक होती है, ठीक है? जब मैंने ये बुक्स पढ़ी, मैं अपने लाइक हैंड रिटन नोट्स बना रहा था। मैं हैंड रिटन क्यों क्यों बना रहा था, मैं लाइक बीइंग अ इंजीनियर आई वुड से मैं एक सॉर्ट ऑफ यू नो क्लाइमेट की साइड पे भी आई डोंट रिकमेंड यूजिंग पेपर डाल दैट, बट मैं हैंड रिटन क्यों बना रहा था, मैं इस वजह से बना रहा था बिकॉज जब आप लिखते हैं तब आपको चीज याद रहती है। जो लिखाई के अंदर आपको प्रोफिशिएंसी होती है ना, वो आपको दैट कैन हेल्प यू लॉट। आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आपकी राइटिंग स्किल्स स्ट्रांग होती है, आप जब लिख रहे होते हैं आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के एग्जाम में, वो स्ट्रांग होती है, आपको पता चल रहा होता है कि ओके बट यू आर राइटिंग इट डाउन। ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैं वो लॉन्ग नोट्स बना चुका था, मेरी राइटिंग एक्चुअली इतनी अजीब है कि वो उस पर नहीं मैं आपको दिखा सकता, लेकिन आई कैन शो यू द शॉर्ट नोट्स, आई कैन शेयर द स्क्रीन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने एक शॉर्ट नोट्स निकाले हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स आप ऊपर देखेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफाइंड, भी रिफाइंड मैंने इस वजह से लिखा बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स भी मैंने फर्दर रिफाइन किए थे कि मेरे पास ओके इतना बल्क ऑफ नॉलेज ना आ जाए कि मैं उसको हैंडल ही ना कर सकूँ। क्योंकि आपके एक एग्जाम के और दूसरे एग्जाम के दरमियान सिर्फ 2 से 3 घंटे का फर्क होता है, एंड उस 2 से 3 घंटे में आपने एक दफ़ा रिवाइज एटलीस्ट पढ़ लेना है उस चीज़ को। तो दिस वॉज, अब ये आप देख लें इसके टोटल पेजेस जो हैं, दीज आर अराउंड 39 पेजेस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सब्जेक्ट, लोकल, इंटरनेशनल और टू द पॉइंट जो मेरे नोट्स थे, वो मैंने 40 पेजेस पे कवर किया, ठीक है? अब इसके अंदर लाइक मैंने 500 सफ़ों की एक बुक पढ़ी, 250 सफ़ों की एक पढ़ी और 300 की एक, तो अराउंड 1000 पेजेस को मैंने 39 पेजेस पे ले गया मैं। अब आपने कैसे करना है ये, लेट मी शो यू द नोट्स, एंड इसमें आप खुद भी अपना एनहांस कर सकते हैं। CSS की तैयारी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। CSS कंपलसरी बैच 01 सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रही है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, 6 सब्जेक्ट्स का सोर्सेज बताई जाएंगी, एवेल्यूएशंस होंगी, पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स होंगी, पास्ट पेपर एनालिसिस होगा, और इसके अलावा जो भी आपको चाहिए वो सब बताया जाएगा। आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो ये मैंने ये बुक नोट्स थे, ये टॉपिक था, ये आप टॉपिक कौन से हैं, ये टॉपिक वो है जो FBSC के सिलेबस के अंदर है। तो वो जो सिलेबस होता है उसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर मैंने नोट्स बनाए हुए थे। अब आपको देखें डेफिनेशन मिल रही होंगी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है। फिर अब जैसे यहाँ पे अब ये सिस्टम ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक ये हेडिंग थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल थी, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है। क्यों? क्योंकि मुझे, मैं वो चीज़ पढ़ चुका हूँ और मुझे याद है कि ओके इसके अंदर ये बात हुई थी, इस हेडिंग से ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या बात हुई थी, एंड ये मेरे लिए काफ़ी है। अब अगर मैं नीचे जाऊँ, दिस इज़ अ पेज फ्रॉम द बुक, अब मैं इतना ज़्यादा लिख नहीं सकता, तो बट आई डिड कि मैंने वहाँ पे एक स्नैप लिया एंड आई पोस्टेड पेस्टेड ओवर हियर। सिमिलरली अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे, दिस इज अगेन अनदर वन ऑफ माई उस पेज का स्नैप किया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और वेल्डन मा एक्सप्लेन इन पास्ट पेपर्स। अब मेरे नोट्स के अंदर मैंने जो यूनिक चीज रखी थी, आई डोंट नो अदर एस्पायरेंट्स हैव बीन डूइंग इट और नॉट, बट जो मुझे लगा और जो मैंने कहा कि ओके दिस शुड बी इंकल्केटेड, वो ये था कि पास्ट, पिछले एटलीस्ट 5 से 6 पास्ट पेपर्स के जो आंसर्स थे, जो मुझे लग रहा था ओके दिस इज अ गुड आंसर, वो मैंने नोट्स के अंदर डाल दिए थे, और फिर इनको मैंने इनको ना थ्रू आउट द टाइम मैंने इनको रिफाइन करता रहा। अगर तो मैं नीचे जाऊँ यहाँ पर, तो ये अगेन अगेन द हेडिंग्स आर ओवर हेयर, ये हेडिंग्स, ये सारी जो FPSC की, आप देखें यहाँ पे रिमेनिंग इन द पास्ट पेपर, ये अपने आप को मैं बता रहा हूँ कि ओके इसके बारे में और पढ़ना है तो पास्ट पेपर्स के अंदर डिफाइंड है चीज़ें। तो वेरी क्विकली गो टू द पास्ट पेपर्स सेक्शन ओवर हेयर, यस। अब ये देखें पास्ट पेपर नोट्स, मैंने पास्ट पेपर्स के अलग से नोट्स बनाए हुए थे, ये पास्ट पेपर है। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन था नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2021 में, जिसका मुझे आइडिया नहीं था ओके व्हाट इज दिस। डेफिनेटली नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच का आपको आइडिया होता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, तो फिर मैंने इसका अलग से आंसर लिखा, अगेन शॉर्ट आंसर लिखा, बहुत लंबा आंसर नहीं लिखा मैंने इसका। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग क्या होती है, इसका आंसर लिखा। ये सारे मैंने जो ये सारे क्वेश्चन हैं ये पास्ट पेपर्स के अंदर से हैं।
फिर गो डाउन, ये पास पेपर 2017 का है, इसके अंदर से क्वेश्चन के आंसर्स मैंने लिखे थे। देन अगेन पास पेपर 2018 का, उसके आंसर्स। सो दिस वॉज माई टेक्निक हाउ टू यू नो फॉलो अप विद द नोट्स, एंड जिस तरह मैंने नोट्स बनाए थे। बट एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप नोट्स बनाएं, अब इसके ऊपर यहाँ पे तो आपको नजर नहीं आ रहा कि कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, कौन से ऑथर्स के नेम हैं, कौन कौन से फेमस लोग हैं। आप डेफिनेटली नोट्स के थ्रू स्किम थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया होगा। बट जब आप नोट्स को रख लेंगे, बना लेंगे, उसके बाद एक पेज ऐसा रेफरेंस पेज बनाइएगा जहाँ पे आपको बुक्स, उनके ऑथर्स, उस बुक के अंदर मेन बात क्या हुई है, आपने ये याद रखना, ताकि आप रेफरेंस दे सकें। क्योंकि जब आप रेफरेंस से किसी चीज को बताते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट ही अलग होता है। सो दिस वॉज लाइक माई स्ट्रेटजी फॉर द नोट्स।